हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा जाओ फटाफट से देखो यार। एंड पार्ट टू में तो वैसे घमासान युद्ध होने वाला है, वैसे युद्ध नहीं होने वाला है, आप बस रेड दिखाने वाले हैं। अब जो भी हो गया यार आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एंड ये है डे वन, अभी तक डे टू अभी नहीं आया, डे टू का भी वीडियो इसके अंदर में मिल जाएगा। तो जाओ यार पहले पार्ट वन देख लो, उसके बाद इस वाले वीडियो को पहले देखना। वैसे इस पे आ गया तो उसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको मौज चाहिए तो पार्ट वन देख लो। एंड मेरे कुछ लीजन मेंबर भी आए हुए हैं, वैसे लोग साथ में नहीं खेलने वाले, दो दिन की क्या बोलते यार ऐसा कुछ नहीं, हाँ चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात फिर काली रात तो भी होगा, तो ऐसा वाला सीन होते हैं लोग, ईद के चांद की तरह काम करते हैं। तो फिलहाल इनका मैं कुछ नहीं बोल सकता, आएंगे थोड़ी बहुत काम करेंगे फिर चले जाएंगे। तब सभी लोग तो वैसे सभी नहीं मतलब 90% लोग अपने में से भी वही कर रहे हैं। एंड इस बंदे को यार बार बार चैट करके बोलना पड़ता है यार, हो सके तो यार वॉइस चैट ज्वाइन किया करो, जो भी सब्सक्राइबर्स आते हैं साथ में खेलने का तो वॉइस चैट ज्वाइन किया करो, बहुत दिक्कत आती है चैट वैट, हम लोग को आदत नहीं होता, हमारे कोई भी टीममेट का आदत नहीं है कि चैट करके गेम प्ले वगैरह कर सकें, बहुत मुश्किल होती है। तो यार जो भी अगर ऐसा टीम अप अगर करते हैं या फिर साथ में कोई भी सब्सक्राइबर खेलता है तो प्लीज़ मतलब कि सब्सक्राइब तो अपने ऑलरेडी कर रखा है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लिया करो, और जिन्होंने भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर रखा ज्वाइन करो यार, बातचीत होती रहती है एंड अपडेट्स वगैरह मिलते रहता है गेम के रिलेटेड भी एंड हमारे चैनल से रिलेटेड भी सारा सारा अपडेट वगैरह। एंड मैं तो वैसे 24 घंटों से पढ़ा रहता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग आते हैं गेम प्ले में। एंड यहाँ पर देखो एक बेस है सस्ता सा आधा अधूरा वाला, तो इस पर भी फिलहाल रेड करने वाले हैं। वैसे तो पहले ही पता चल गया कि एक साइड स्टील का डोर है यहाँ पर एंड यहाँ पर फर्नेस की लूट, तो फिलहाल अपने को फर्नेस की लूट ही चाहिए। एंड एक बॉक्स ऐसा लग रहा है, मिल जाए तो अच्छी बात है, ये तो टूट नहीं सकती लेकिन इसके पास आयरन आई थिंक कम है, तो ये तो ऐसे डिमोलिश होकर टूट जाने वाला है यार। पहले ऐसा करते हैं फटाफट इसको बॉम्ब वोम लगा के तोड़ देते हैं। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू लगा ले या तो मैं भी लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लगा लो। ऊपर की छत से तोड़ देते हैं, लेकिन छत से तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं यार, क्योंकि नीचे में इसका जो मतलब कि साइड से अगर तोड़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इस पर मैंने लगाने के लिए बोलते हैं। एंड इसने लगा दिया, 10 ही लगाना होता है, ओके लगा दिया इसने, आई थिंक अब टूटने वाला है, ओके टूट गया। अभी इसको तोड़ते हैं, फिलहाल इसको तोड़ना पड़ेगा तभी अंदर घुस पाएंगे यार। आजकल फार्मर चलाना मज़ा नहीं आता, पता नहीं डैमेज ऐसा कम कम दिखाता है या फिर इस नए वाले आईडी की वजह से होता होगा, अब जो भी होगा यार। ओके हम तो चढ़ गए एक ही बार में, अब ये लोग भाई उछल कूद करते रहें। यहाँ पर बॉक्स जैसा लग रहा था लेकिन बॉक्स नहीं था यार। ओके थोड़ी बहुत आयरन मिली, ये बंदा स्टार्टअप करके कहाँ भग गया, इसके पास थोड़ी बहुत तो सामान थी, जो भी लूट है इसके अंदर में है कोई दिक्कत नहीं, इसका जो भी सामान है उसको उठा के ले लेते हैं। तो गाइस इसकी बेस का पूरा लूट हो चुका है एंड चलेंगे यार किसी दूसरे बेस को रेड करने के लिए, ये बेस तो अब कुछ करने लायक रहा नहीं यार। ऑलराइट गाइस, तो एक और लोकेशन है जहाँ पर ये बंदे यानी कि जो हम SMG वगैरह फाइट कर रहे थे ना जो ड्रॉप में थे, तो उन्हीं का ये बेस होता है पिरामिड वाली, और मुझे लग रहा था यार सस्ता सा बेस है कुछ नहीं होगा ऐसे हो जाएगा काम, बट ये बंदे तो स्टैकिंग करके बैठे हुए थे यार, दिक्कत हो गया ये। फिलहाल बंदे बोले कि डोर टू डोर जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बेस में, तो ठीक है लगाना चालू करते हैं अभी ऑल बम। एंड थोड़ी थोड़ी देर से लैग होना चालू रखी क्योंकि रिकॉर्डर ऑन है तो लैग हो गई। एंड ये भी इस टाइम पे मेरे पास चर्चर एप्लीकेशन एक साथ रहेंगे, मैं चार या फिर पाँच एप्लीकेशन, एक डिस्कॉर्ड है एंड जिसके थ्रू मैं गेम चला रहा हूँ वो है, उसके अंदर फिर गेम चल रहा है एंड ये चार चीज़ें चल रही है यार, तो दिक्कत होने वाली है। और कितना सामने तो गोली भर रखा है, वैसे मेरे को उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को सेंटर का तोड़ देना है बस, सोचा कि अगर दो सीधे से घुसते हैं ड्रिल ही कर देते हैं, अभी वही करने का फिराक में हूँ मैं। अभी लगाते हैं क्लोज टारगेट, क्लोज को टारगेट चलो उन्हें लगा दिया थोड़ा बहुत मैंने, अभी दस ही लगा दिया टूट गया, 100 से नहीं टूटने वाला क्योंकि 100 खत्म ही करना पड़ेगा, 100 अपने को कुछ ज़्यादा तो डैमेज नहीं दे पाएगा क्योंकि इससे पहले उसका गोली ख़त्म हो जाने वाला है। ओके तो डबल वाल है शायद, तो इसलिए एक और बचा हुआ है, ठीक है थोड़ी बहुत ऐसी अच्छी 3-4 में हो जाएगी काम, मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया है लेकिन तो ओके हो गया, टूट गया 3 में टूट गया। एंड ये थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इस पर 10 लगानी पड़ेगी, बेसल की बात नहीं कर रहा ये, लेकिन इसके बाद आयरन दिख रहा है यार मेरे को,
चलो इसको सेंटर साइड पे लगा के देखते हैं। अरे बार बार गिर क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। कुछ नहीं यार, इसके पीछे आई थिंक फर्नेस वर्नेस है, ऐसा तो मेरा टीममेट कुछ बोल रहा है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं यार, लेकिन देखो यही सही जाना रहेगा, ठीक रहेगा ना। ओके यहीं पर लगाते हैं यार, भाड़े में जाए कुछ भी हो जाए, फटाफट से क्या करें, यहाँ पर लगा दें। सेंटर पर लगाएंगे, उस साइड से जाना है, मतलब एक साइड अपने को चाहिए तो वो डबल टूट सकती है एक साइड से, तो वो देखना पड़ेगा। या फिर वैसे मैं बोलता तुम्हारे पास अगर बॉम है तुम ही लगा दो ना यार, मेरे को क्यों बोल रही यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। तो बंदा फिलहाल लगा रहा है, अबे जल्दी लगा, कहाँ लगा रहे हैं। वो सोच रहा है कि इस साइड से जाएंगे तो फिर दोनों टूट जाएगा, अभी देखते हैं टूटता है या नहीं। ऐसे कब से खाते लगा रहे हैं, टूटता है। ओके टूटा, अभी भी HP बची हुई, तो अब पता नहीं किस पे लगाएगा वो। अभी भी इसमें चार चाहिए यार, तीन या चार, आई थिंक हाँ चार हो जाएगा। तो इसने लगा देते हैं, देखो देखते हैं अभी टूटता है कि नहीं। इतना में पूरा ऑफलाइन रेड होने वाला है, बंदे नहीं आने वाले। हाँ थर्ड पार्टी में आ सकते हैं वो। देखो यहाँ पर फंडेस का लूट बोला था बंदा, फंडेस का लूट इनको मिल जाएगा आराम से। एंड इसके पीछे आयरन का दिख रहा है, और फिलहाल इसको तोड़ देते हैं यार स्टोन का ही। एंड ऐसा करते हैं कि नीचे का तोड़ के ऊपर चलते हैं, ऊपर से करेंगे तो तीन तीन चीज़ें खुल तो जाएगी आराम से, तीन चार चीज़ें जो भी होगी। ओके यहाँ पर मैं फटाफट से 10 लगा देता हूँ, पता नहीं तो कैसे एकदम स्पीड से हो पाती है। अभी भी देखो बच गई है, दो बच गई है। हाँ तुमको ज़्यादा देखनी है भैया, अंदर घुस जाओ एक दो। ओके ख़त्म, अब ओके टूट गई। एंड अभी देखते हैं एक वाल की बात क्या है। तो इसके बाद तो वैसे आ रहा है, यहाँ पर एक बंदा लेटा पड़ा हुआ है, तो वैसे मेरे टीममेट्स बोले कि इसको तोड़ो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, अपन छत जाके देखते हैं कि छत से क्या सीन है, क्योंकि छत में देखो डोर है ओपन, इसमें लोगों ने लॉक नहीं लगा रखा है। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ पर देखो जब बैठ जाओ जरा सा, मैं थोड़ा छत में चला जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या सीन है। ओके आयरन का तो है यार, एंड यार तुम स्टोन नहीं बोले स्टील का है यार ये, तो सबसे पहले ऐसा सोचता हूँ कि यार ये स्टील है तो अपने टाइटेनियम तो यही है। तो ये करते हैं कि एक ये सेंटर वाला ना इसको यहाँ पर लगाते हैं, एंड दोनों तोड़ देते हैं ताकि अंदर के जाके तोड़ सके। वैसे तो कॉस्टली बन रहा है पहले बेस मेन कोर जो है, तो दो तो टूट गया है, दो और तोड़नी पड़ेगी, तो इसको इस पर लगानी पड़ेगी। ओके चलो लगाते हैं। तो यार यहाँ पर स्टोन निकला, और ऐसा करते हैं सेंटर पर लगाएंगे तो इधर शायद टूट तो जाएगा ना, टूट तो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगाना चालू करता हूँ, ऐसे काफ़ी डिस्कस होने के बाद अपने को यहाँ पर लगाने का मौका मिलता है। फिलहाल भी डिस्कस करना चालू कि लगा कि नहीं। एक स्टील का है जिसके अंदर टाइटेनियम, मतलब टाइटेनियम बोलता हूँ, जिसके अंदर कैबिनेट है, एंड बाकी तीन जो नॉर्मल है उसके अंदर लूट तो लूट तूट तो होगी यार। तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे आने का कोशिश कर रहे हैं बट नहीं आ पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं एल्बम लगाना चालू कर दिया हूँ बरसात करना, तो यहाँ पर प्रॉपर 100 लगने वाली है यार। डोर पे लग जाती है 30 आयरन की, एंड इस पे 100 लगभग लगभग आसपास ऊपर नीचे हो जाती है। अभी तोड़ना मैं चालू कर दिया, और स्टील के तोड़ने के लिए तो प्रॉपर 200 चाहिए, तो फिलहाल 200 तो अपने पास अवेलेबल नहीं। यहाँ पर देखो मैं बग करके देखता हूँ, तो बग नहीं यानी कि साइड से देखता हूँ तो दिख जाता है मेरे को स्टील। तो यार इसको तोड़ो उसको तोड़ो एक ही बराबर, लेकिन इसके साथ अपने को बेनिफिट मिल रही है, तीन तीन चीज़ें है कि नहीं। अगर हम लोग साइड साइड करेंगे तो सिर्फ दो मिलेगा, एंड एक जो है ना लूट छूट जाएगा। इससे अच्छा ऊपर से तोड़ते हैं भले थोड़ा सा लग जाए। अब तीन तीन पे डैमेज दोगे आप, वो भी एल्बम से तो उतना ज़्यादा पॉसिबल तो है नहीं। आसपास की चीज़ें पड़ेगी बात, और जो जो चीज़ें वो छूट जाएगी, कुछ कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर अभी फटाफट से तोड़ना चालू करते हैं यार। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया था तो मैंने टीममेट को अपने भेजा था के। और ऑलराइट गाइस, तो अभी इसकी थोड़ी सी बस HP बची हुई है, लगभग 20-30 एल्बम से का काम चल जाएगा। लेकिन हाँ यार स्टील का नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि ओपन नहीं है, फिर भी 40-50 चाहिए रहेगा। तो ओपन हो गया, फट भी गया, कैसे फट गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने टीममेट्स को बुलाते हैं कि यार देखो ओपन तो हो रखा है, तुम लोग लूटिंग वूटिंग चालू कर। तो एक और बंदा भी आया था थोड़ी देर परेशान करने पहले, जिनका हमने बीच में बेस रेड किया था, वो वाला बंदा आया हुआ था, उसने पता नहीं फिर से स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मेरा अगर रेड होता स्टार्टिंग में तो मैं करता नहीं ना, कोई दूसरा सर्वर चुनता, बट उस बंदे ने हार नहीं मानी और SMG लेके आके हम लोग को मार भी। और यार पता नहीं हमारे एक टीममेट के पास हो जाता, लेकिन लॉन्ग रेंज में कहाँ हो जी डैमेज दे गया उतनी अच्छी खासी। मैं वुड कट कर रहा था तो पीछे आके मेरे को थप्पड़ कर गया, पता भी नहीं चला।
ग्लाइड जंप करके, एंड ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं जाती है अपने पास। सस्ती वाली जो फार्मास होती है, टूटने वाली होती है, वो वाली रहती है शायद, मेरे पास अच्छी वाली होती है। तो वो फार्मास चला गया एंड एक ऊजी चली गई। खैर उससे अभी आएगा तो उसको निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक आर्मर, आयरन आर्मर का सेट, सेट तो नहीं था, सिर्फ चेस्ट था, तो वो तो बना भी सकते हैं, अपने पास रेसिपी है तो उतना कुछ है नहीं। लेकिन मेरा अभी टीममेट बोल रहा है कि वो जो बंदा अभी आ चुका है, थोड़ा सतर्क हो जाओ। तो यहाँ पर वैसे चार लोग होते तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी शॉर्ट गन है, मेरे पास अपनी गन भी नहीं है, यानी कि SMG वगैरह भी नहीं है। पहले फार्मास था, वो तो दान कर दी उस बंदे को। एंड इसके ऊपर बंदा लैंड हुआ हुआ है, तो अभी इसका हवा हवाई निकालते हैं। मतलब बंदे सोच रहे कि कर लेंगे फिर से मार लेंगे। तो ओके, यहाँ पर जो डैमेज है, तीन तीन का डैमेज पड़ा, सात का डैमेज पड़ा, खैर थोड़ा तो डैमेज पड़ रहा है उसको। मैंने उस बंदे से, मतलब कि जो इनका बेस है उससे थोड़ा सामान ले लिया। अभी तक मैंने लूट अभी तक चेकआउट नहीं किया है, और डायरेक्ट मारने से ला गया। ओके, 15 का पड़ा, अच्छा खासा डैमेज हो रखा है, 15, 7, 3, 3 ऐसा करके तो अच्छी खासी हो गई ना, 40-50 किच भी गए। ओके, हमारे टीम ने मार दिया उसको, और फिर से 3-3 के पड़ रहे हैं डैमेज उसको, 3-7, 3-7। चलो वो तो कर देगा काम उसका खत्म, तो उससे हम थोड़ी वेपन अपन ले लेंगे। फिलहाल अभी अपने लूट पे आते हैं, एंड रेड पे कंप्लीट करते हैं। तो इस का तो ओपन हो रखा है, अभी तक मैंने लूट आउट चेकआउट नहीं किया है, एंड इसको भी ओपन हो जाएगा। लेकिन सेंटर का क्यों रख गया यार, सेंटर का बज गया। लेकिन गाइस अभी भी हम लोग कैबिनेट नहीं तोड़ सकते, अपने पास ऑल बम कम है, मतलब अपने पास सामान अच्छी खासी है, लेकिन अभी GP नहीं बना सकते, काफ़ी टाइम लगेगा। एंड अभी अपने अपने कंट्री में हो रहा है 2 या 3 बज रहा था इतना टाइम पे यार, इसके बाद तो नींद आ ही जाती है सभी को। इसलिए हम लोग रात के 3 बजे सोचे कि सोने का सोते हैं, एंड मॉर्निंग में ड्रॉप पर ट्राई करेंगे, बैच ड्रॉप वगैरह है उस पर। ओके, अच्छी खासी इनके पास कंपोनेंट्स वगैरह है यार, बट ये इतना लेट क्यों आ रहा है यार मेरे बैग में, इतना मैं स्पैम क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं आ रही है। ओके, फिलहाल इसको मैं गाड़ी में डाल देता हूँ जो अपने पास है। एंड अंदर का भी लूट अभी मैंने देखा नहीं है यार। फिलहाल ऐसा करते हैं कि पहले गाड़ी पे सामान डाल लेते हैं, और डाल के सो अभी थोड़ा नीचे जाके देखते हैं। और ये लोग भी ऐसे हम लोगों से थोड़े से लेट में भी लोग चालू करते हैं, साथ पहले से कर रखे थे पता नहीं मुझे। हम लोग तो खोपचे मेज़ बना रखे हैं तो उतना खास पता नहीं है, एंड सेकेंडरी बेस भी है अपने पास, तो उसी में ये लोग थे, मेरा कुछ टीममेट्स रूम वूम कर रहे थे। एंड ओके, अच्छी खासी लूट है, अभी अंदर जाके देखेंगे। फिलहाल मेरे को डर डर लग रहा होता है कि भाई वापस कैसे आएंगे वैसे, लेकिन यहाँ पर लेडर वेडर लगा रखा है, थोड़ी सल्फर है, थोड़ी स्टील वगैरह है, एंड अंदर में काफ़ी सारा सामान है जो मेरा वैसे बैग फुल होने वाला है। इस बंदे के पास देखो, इसका मैंने अभी तक लूट चेकआउट ही नहीं किया था भाई, इसके पास अच्छी खासी लूट होती है। आयरन आर्मर भी मिल गया मेरा जो खोया हुआ था, एंड इससे फार्मास भी मिल गया जो बैग में। अभी तो SMG मैंने SMG की शॉटगन वगैरह सब कैरी कर रखा है, फार्मास भी है मेरे पास अभी, यानी लगभग लूट वापस आ गई है ऐसा बोल सकते हैं। एंड इस पे होगा यार जो भी होगा, अभी देख लेते हैं इसका भी सामान वामान क्या क्या है इसके पास। ऑर्डर गाइज, तो यहाँ पर गाड़ी का लूट देख सकते हो कि कैसा कैसा गाड़ी में लूट पड़ा हुआ है। ये वाली चेस्ट देखो, यहाँ पर पर्पल कार्ड, इनके पास अच्छी खासी पर्पल कार्ड है यार, जो तो हमारे पास भी ना था, जो कल करने का काम आएगा यार, आज तो करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाला आदमी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रूम करके तो ठीक है, लॉन्च ऑनचर एंड राइफल फ्रेम वगैरह की जो राइफल बैरल्स होता है ना उसको थोड़े कलेक्ट कर लो। एंड ज़्यादातर जो है 10:30 बजे यानी कि इंडिया टाइम में 10:30 बजे सुबह के बाद अगर आप रूम्स वगैरह करते हो ना तो आपको AR मिल जाएगी कोई भी सर्वर में। एक दिन रुकना, उसके बाद दूसरा दिन के 10:30 बजे तो इस टाइम पे आपको AR मिलना चालू हो जाएगा, यानी कि कोई भी सर्वर तो नहीं बोल सकता हूँ। ब्लडी रैम्पेज आई थिंक ये रैंक पे भी कवर करती होगी, मुझे नहीं पता रैंक वगैरह, वैसे तो 15 दिन का होता है तो उसके बारे में तो आइडिया नहीं मेरे को। ब्लडी का आइडिया एंड रैम्पेज का, सिविलाइजेशन में भी ऐसी काम करती है, एक दिन रुको उसके बाद फिर 24 घंटे जैसे अपना सराउंड कंप्लीट होता है वैसी AR मिलना चालू हो जाता है। एंड शॉप में तो काफ़ी लेट में आती है यार यहाँ पर, अभी इनकी काफ़ी सारी लूट बची हुई, इसको भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग अभी Avenger मारने आए होते हैं पूरा लूट वगैरह ट्रांसफर करने के बाद। एंड अभी अपने सर्वर में बचा हुआ है 33 घंटे, यानी कि बैज ड्रॉप के पास फिलहाल अभी है नहीं। नहीं अभी बैज ड्रॉप कहाँ आएगा यार, यहाँ पर 28 घंटे पे आती है ना बैज ड्रॉप, तो मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ से पर्पल कार्ड मिली है यार, एंड अच्छी खासी लूट नहीं मिली है, ये उस टाइम की बात होती जहाँ पर 24 घंटे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग पहला पर आए होते हैं, यानी ये Day 2 है
यहाँ से अपना डे टू स्टार्ट होता है जो हम लोग रात को रेड। तो अभी फटाफट सामान वामान यहाँ से रख लेते हैं एंड कल्टी मारते हैं। वैसे आई थिंक यहाँ पर पर्पल रूम है तो कर भी लेते हैं यार। आखिरी वाला जो रूम होता है पर्पल होता है तो वहाँ पर मेरे टीम बोलते कर लेते हैं। मतलब यार बेस में रखने वाला कुछ है ही नहीं यार, तो कहाँ बेस जाऊँ मैं तुम्हारे साथ। चलो रूम ही कर लेता हूँ। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि इससे कुछ मिलता है या नहीं। फिलहाल मैं तो तोड़ना चालू कर दिया हूँ, ये भी कर दिया है। एंड मतलब कि तुम ही अभी एडवांस है मुझे तोड़ो। तो अभी देखते कुछ मिला तो यार यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं अपना लकी ख़राब है यार इस सर्वर में, अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं तो फिर अवेंजर से तो मिल ही जाती है यार। हम लोगों ने पहला अवेंजर मारा, पहला रूम किया, फिर भी कुछ नहीं मिला है। पता नहीं इस बार क्या होगा यार, अभी तक नहीं है फार्मास वामास। चलो कोई दिक्कत नहीं, भी इसको बेस में शिफ्ट करते हैं एंड कुछ और रूम्स ट्राई करते हैं लाइक बायो वगैरह का। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बायो एंड रूम वगैरह प्रॉपर करने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर एक बंदे का नाम आ रहा होता है तो हम लोग ऐसे सतर्क होकर यहाँ पर कैंप वैम्प करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऊपर आता है तो मार देंगे। लेकिन काफ़ी थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चलती कि बंदा थोड़ा है ही नहीं आ रही यहाँ पर। देखो उसके बाद एक और बंदे का जो नाम होता है ना कोबे, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पर होते हैं। एक और बंदा आ गया होता है, एक और बंदा था वो, उसका तो आई थिंक वो पर्पल पर्पल रूम रूट रहा होता है। और ये बंदा पता नहीं कहाँ पर है, शायद ये भी लूट वूट करने आया होता है। फिर इसकी तो 12 बजाएंगे, पहले बेस यानी कि जो रूम करो उसको देख लेते हैं। तो इस बहुत ताका जाके करने के बाद पता चलता है कि बंदा तो अंदर ही है, यानी कि अभी ऑफलाइन चला गया है। पता नहीं शायद उसका डिस्कनेक्ट हो गया जो भी कनेक्ट हुआ, तो अभी अंदर में फंसा पड़ा है। तो मेरे को कार्ड डाल के खोलना पड़ेगा, मैं लिंक कर लेता हूँ। कुछ क्या पता यार कभी बंदा ऑनलाइन आ जाए, अभी जाके देखते हैं। बस अच्छा खासा स्कैम हो गया इसके पास, रूम किया बंदा लेकिन यहीं पर लेट गया। इसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया है बंदे का, अभी देखता हूँ टेप करके। तो देखो अच्छी खासी प्रॉपर टाइम लगी हुई है, यानी बंदा थोड़ी देर पहले ही क्रैश हो गया। ओके कोई दिक्कत नहीं, अभी सामान कलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसके पास अच्छी खासी सामान है यार। ओके स्टील वगैरह भी है, फ्यूल भी है इसके पास एंड पर्पल कार्ड भी है वो। भाई साहब ये सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड अभी बाहर वाले बंदे का भी देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो इसे तो अच्छी खासी लूट मिल गई अपने को फ्री में, यानी जो भी रूम का सामान था इसी से मिल गया। अपन अब एक्स्ट्रा पर्पल रूम्स कर पाएंगे। वैसे लास्ट जो लूट मिला तो वो सेकेंडरी बेस में एंड ये फर्स्ट वाले बेस में, हमें उसे ट्रांसफ़र कर दिया था कुछ कुछ लूट एंड कुछ बची हुई है अभी तक। अगर रेड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं अपना का। इससे पहले एक ड्रॉप आया था, वैसे ड्रॉप में हम लोग अच्छे खासा फिट गए क्योंकि जैसे और बग हो रखा था, पता नहीं कोई हैक वैक यूज़ कर रहा था। तो यार जो बजू का डायरेक्ट अपने गाड़ी पे पड़ी एंड हम लोग सबके सब बाहर आ गए गाड़ी से, यानी कि फट गया सबका सब फट गया हम लोग। ये तो सीन गलत हो गया और ऐसे ही बंदे ले गए यार ड्रॉप। आई थिंक उसे तो अच्छी खासी सामान मिली होगी एंड ये बेस बचा था यहीं पास ही में था जहाँ पर हम, मेरे को बैग मिला था कि यहाँ पर आ जाओ ऐसा वाला। जानवर तो यहाँ पर मिलेगा आपको बैग, लेकिन इनका इनका मतलब जो एनमी था उनका भी तो यहीं पर था। अभी तक टीसी कनेक्ट नहीं हुआ तो कनेक्ट करना पड़ेगा। पता नहीं अपना लक इतना अच्छा थी, वैसे तो ओपन था बेस, कहीं भी तोड़ो मिल जाता और हमने तोड़ा वहीं पर ही मिल गया। जो भी हल्के फुल्के सामान थी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड चलते हैं बेस यार। और ये 24 आवर के बाद जो ड्रॉप आती है उसको, उससे बहुत अच्छी सामान मिलती है तो वो वाला मिस करना मत, या फिर सिप, ये दोनों से चीज़ तो ले ही लेना यार। और हम लोग का किस्मत ऐसा होता है कि हम दोनों ही ले नहीं पाते, इसके बाद मेरे को काम आ जाता है एंड मेरे टीममेट को भी काम आ जाता है। तो ये सर्वर तो अब ऐसे ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब कोई कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, यानी प्रॉपर सब अपने अपने काम में फंस गए हैं। तो ये सर्वर का तो देंड यहीं पर हो जाएगा, अब बंदा मतलब कोई रहेगा नहीं खेलने के लिए तो कहाँ कुछ हो पाएगा यार। तो गाइस बस आज के लिए बस यहीं तक का एंड हो सके तो वन डे जर्नी अपनी जैसी आई डी बैठ जाएगी, उसके बाद ट्राई करता हूँ इसी आई डी से हो सकती है तो अपने को प्रॉपर रेड करनी है एक ही दिन, जो भी काम करना है एक दिन के अंदर करना है, उसके बाद एग्जिट मारना है फिर नया सर्वर का तलाश में। तो गाइस आज की वीडियो को अच्छी लगी होगी तो फटाफट से लाइक करो, तो वीडियो को एंड कमेंट करके बताओ अपना फेवरेट पार्ट एंड जो है सब्सक्राइब नहीं करके कर लो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। एंड वन डे वाला जो सीरीज है जल्दी से आने वाला है, वन डे रैम्पेज वाला, एक ही दिन में बूम बाम करना है, ख़त्म करना सर्वर। एंड अच्छा होगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वो एक दिन में जो भी खेलना होगा गेम प्ले होगा एक दिन कराएगा एंड सर्वर एंड कर देंगे। तो ठीक है गाइस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, चलो बाय।